नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास खबर। आज की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में अचानक आए आंधी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। इस दौरान एक राम कथा पंडाल गिर गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई व करीब 45 लोग घायल हो गए। मृतकों में 11 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना बाड़मेर जिले के जसोल गांव की है, जहां स्कूल परिसर में राम कथा चल रही थी। वहीं करीब 200 फीट का लोहे का पंडाल लगाया गया था। पंडाल में करीब 1000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। इसी दौरान अचानक हुई बारिश और तूफान से पंडाल गिर गया और इससे वहां भगदड़ मच गई। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं अब पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। हादसे के पीछे आयोजकों की लापरवाही और अन्य कारणों की पुलिस जांच कर रही है।